और पाकुड़ में रामनवमी पूजा और अखाड़ा जुलूस को लेकर डीसी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। डीसी मृत्युंजय बरनवाल और एसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक में डीसी ने पूजा समिति अखाड़ा समिति को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अखाड़ा जुलूस के दौरान शराब का सेवन करने वाले वॉलंटियर और भड़काऊ गाना बजाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पूजा समिति और अखाड़ा समिति को डीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सभी चीज़ें निर्धारित चीज़ों के अनुसार होंगी, जुलूस के रूट चार्ट पर ही जुलूस निकाले जाएंगे और सभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका ख्याल भी रखा जाएगा। मुख्य रूप से पांच ऐसे जुलूस उसके लिए जो मेरे से तैयारियाँ करनी है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों समुदाय के बीच में दोनों समुदाय के लोग भी यहाँ पर सम्मानित लोग भी नेसेसरी अरेंजमेंट जो हमें सिक्योरिटी मेजर्स देखने हैं, वो जो हमें क्या बोलते हैं शराब के मंदिर को लेकर जुलूस में कोई व्यक्ति शराब पी के ना आए, हमारी जो रोड की सुरक्षा हो, हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस का डिप्यूटेशन रूट चार्ट उसका वेरिफिकेशन करना, सभी मुद्दों पर हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कशन किया। साथ ही जो समिति के जैसे लोग उनका भी मुद्दे लिए उनके भी जो छोटे कंसर्न थे उसको भी हम लोगों ने टिकअप किया। हमारी मेडिकल टीम, बाकी सभी टीम, सभी लोग ऐसे निश्चित रूप से लगे रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष से और बेटर अच्छे ढंग से इस बार रामनवमी का त्यौहार पावन। और खबर रामगढ़ जिले से सामने निकल करके आ रही है, जहां विद्यालय में सीट कम करने को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हर क्लास में 8-8 सीट घटाई गई है, जिसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। ये बातें होटल मिलन के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाहरलाल बाल मंच के प्रदेश के कोऑर्डिनेटर तारिक अनवर ने कही। इसी को लेकर आप प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं, बताया जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय में 8 बच्चों को जो कम किया गया है न्यायिक गाइडलाइन के तहत, क्या कहेंगे? देखिए, आज आपको ज्ञात होगा कि काफ़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय में हर एक साल बच्चों का कि दाखिला हर एक क्लास में लिया जाता था, 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा न्यू गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें एक क्लास में, एक सेक्शन में 8 बच्चों को कटौती कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा एक ही चीज़ है कि केंद्र में बैठी है मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जो गरीब ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चे, जो मिडिल क्लास के बच्चे, जो छोटे बिजनेसमैन क्लास के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा करते थे वो नहीं पढ़ पाए, वो बच्चे वहाँ से उठ करके प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएँ, क्योंकि इनका एक ही मकसद रहा है कि भाई हम प्राइवेटेशन को बढ़ावा दें। आज आप देखे होंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार केवल एक ही बिजनेसमैन, दो ही गिने चुने लोगों को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उसी मकसद के तहत उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में 32 सीट करने का काम किया है। 32 सीट करने से अभिभावकों के बीच में बहुत आक्रोश है। अभी एक तरफ केंद्रीय विद्यालय का नाम चेंज करके PM3 केंद्रीय विद्यालय किया, क्योंकि वो उनका कहना क्या है कि हम नया फंड दे रहे हैं, स्कूल का डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट की बात कर एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ बच्चों के क्या दाखिले में, एडमिशन में सीट कम कर रहे हैं। इससे क्या मनसा जाहिर होती है? क्या आप नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े? यदि आप चाहते हैं तो बच्चे पढ़े, तो आप पुरानी जो एडमिशन स्कीम थी उसको लागू रहने देते, बच्चों की संख्या को नहीं घटाते। आज ये स्थिति हो गई कि 1247 केंद्रीय विद्यालय पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, और ये 8 सीट हर एक सेक्शन में घटाने के चलते लगभग 3.5 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनका भविष्य आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस की समय में कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी। कांग्रेस सरकार का एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे CBSE स्कूल्स में पढ़ें और उनको अच्छी शिक्षा मिले और वो बड़े से बड़े जगह पे जा सकें। इस चीज़ को लेकर आप प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं, बताया जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय में 8 बच्चों को जो कम किया गया है न्यायिक गाइडलाइन के तहत, क्या कहेंगे? देखिए, सिमडेगा जिले के कोलेबीरा में बंद पड़े क्रेशर के पास खड़े पोकलेन में अगलगी की खबर जो है वो सामने निकल करके आई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायत बरसलोया के सिजांग स्थित 2 वर्ष से बंद पड़े क्रशर में खड़े पोकलेन पर अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया है। आग की लपटों को देखकर ग्रामीण दौड़ते हुए पोकलेन के पास पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना कोलेबीरा थाना और जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार को दी गई है। सूचना के बाद सिमडेगा SP सौरभ कुमार, SDPO पवन कुमार और थाना प्रभारी कोलेबीरा राजदीप कुमार दलबल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे।
अंतर्गत बरस लोया के पास एक क्रशर जो काफ़ी दिनों से बंद था, वहाँ पे एक पोकलेन में आग लगी हुई थी, जिसको लेकर के हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ से कोई भी अभी तक पर्चा या कोई भी वैसा मटेरियल नहीं प्राप्त हुआ है जिससे हम स्पष्ट रूप से कह सकें किस कारण से आग लगी है या लगाई गई है। तो जब तक इन तथ्यों पर नहीं पहुँचते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे एफएसएल की टीम हम लोग बुला रहे हैं, जिससे कि हम लोग सभी चीज़ यहाँ पे तथ्य इकट्ठा करें जिससे हम लोग कंक्लूजन पे पहुँच सकें कि किस कारण से यह आग लगी या लगाई गई है, और बाकी उसके उपरांत जो है जिन्होंने भी अगर इस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करें। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।